नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन, जी हाँ, 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बट यहां पर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, मतलब इक्के पे इक्का, एक ही जैसे। एनीवे, अब हम बात करेंगे कि इंडिया की तर्ज पर क्या फायदे होने वाले हैं, क्या उनके प्रेसिडेंट बनने से कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा, और किन चार चीजों पर जो बाइडेन की पकड़ होनी चाहिए या होगी जो कि उनकी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी। यहां पर 45th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, जिन्हें अभी अभी हार का सामना करना पड़ा, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत मायने रखती है। किस तरीके से अमेरिकन फर्स्ट, जी हाँ, नेशनलिस्ट की जो भावना थी, अमेरिकन फर्स्ट, दूसरी देशों को तरजीह ना देना, अपने देश को ही सर्वोपरि रखना, अपने देश के प्रॉफिट के लिए हमेशा सोचना, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इस सोच में अमेरिका कहीं बहुत आगे चला गया। वहां पर हमें कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केस, उनकी जो आर्थिक मजबूती थी, आर्थिक किलेबंदी थी, वो भी हमें नीचे जाती हुई दिखी। नस्लीय जो समानता की बात की जाती थी वो भी हमें ज्यों की त्यों ही दिखाई दी, उसमें कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए। यहाँ तक कि जो जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जो कि कालों की बिल्कुल भी अनदेखी की गई, और फिर क्लाइमेट चेंज पर उनकी बातें रखना और अमेरिका को अपने आप अलग थलग कर लेना, ये सब रीज़न थे जिसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप जाते हुए दिखे और जो बाइडेन आते हुए दिखे। तो जी हाँ, जो बाइडेन, जो कि जिन्होंने LLB की थी, LLB से ग्रेजुएशन की वहाँ पर, और इसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे भी रहे और अब बन गए हैं वहाँ पर 46th नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो उनकी क्या रहेंगी रणनीति, क्या रहेगी स्ट्रेटजी जिन पर हम बात करें, और क्या इंडिया को इससे कुछ फ़ायदा भी मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर बात की जाए तो सत्ता संभालने के पहले ही दिन Day 1 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो जितने भी फैसले किए थे उनको पलटने की तैयारी में आ गए हैं जो बाइडेन। माना जा रहा है कि जो उनका सबसे बड़ा जो अच्छा स्टेप लेने वाले हैं वो है जो मुस्लिम कंट्री हैं, जितने भी मॉमडन कंट्री हैं उनके ऊपर जो ट्रैवल बैन है उसको हटाने की तैयारी में वो आ चुके हैं जो बाइडेन। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो बाइडेन हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, वही डेमोक्रेटिक पार्टी जिनसे इनसे पहले, डोनाल्ड ट्रंप से पहले ओबामा जो जिस पार्टी से थे। और दूसरी तरफ बात की जाए ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की, जो अभी भी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट वहां पर जाना चाह रहे हैं कि कुछ धांधली हुई है, कुछ दिक्कत आई है, चलो एनीवे यहां पर जो भी दिक्कत आई हो। तो अब हम बात करते हैं जो चार चीजों पर उनकी नजर रहेगी जो बाइडेन की। जी हाँ, जिन चार मुद्दों पर जिनमें उनकी सबसे ज्यादा प्रियोरिटी होगी वो होगी कोरोना वायरस को लेकर। लेकिन उनकी जीत में जो अहम मुद्दा रहा वो इंडियंस का भी रहा। 3 से 4 मेन इंडियंस हैं जिन्होंने इनकी विक्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसी के दौरान जो उनका पहला बड़ा फोकस होगा वो कोरोना महामारी से निपटने के लिए होगा। उनके कैंपेन का सबसे बड़ा वादा भी यही था कि महामारी पर जल्द से जल्द काबू पाया जाएगा। बाइडेन जल्द ही 12 मेंबर की एक कोरोना वायरस टास्क फोर्स बना सकते हैं और जिसकी जिम्मेदारी, पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति को सौंप सकते हैं। इनके करीबी माने जा रहे हैं ये, और इसके अलावा बाइडेन फिर से डॉक्टर एंथनी फॉसी की सेवाएं भी ले सकते हैं। तो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया कि वे ट्रंप की विदेश नीति से जुड़े हुए जो भी फैसले हैं हम उनको पलटेंगे और अमेरिका को फिर से नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। जी हां, आप अपनी यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस और जो डेथ केसेस हैं वो कैसे डे बाई डे और मंथ बाई मंथ इंक्रीज होते गए, जिसे अपने आप में इन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया और एक वादा किया, अपने घोषणा पत्र में भी अनाउंस किया कि सबसे पहले हमारा जो अटैक होगा वो अगेंस्ट कोरोना वायरस के होगा। और फिर चलते हैं सेकंड नंबर पे US की इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि आप सभी को पता होगा ये वो दौर है जो एक अपने आप में आर्थिक मंदी का दौर माना जाएगा सबसे बड़ी, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंट्रियों की जो इकोनॉमिक हालत है वो खस्ता होती जा रही है। जहां इंडिया -23% जो है वहां पर पहुंच गया GDP ग्रोथ रेट के मामले में, माइनस में चले गए, वहां पर आपको मैक्सिमम, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो या फिर नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हो, सभी के सभी हमको नीचे जाते हुए दिखे उनकी GDP ग्रोथ रेट। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो अमेरिकन इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे बिल्कुल नीचे चली गई है। फिर से इसको वापस पटरी पर लेके आना, ये जो बाइडेन की नीतियों में से दूसरी प्रमुख नीति होगी। और तीसरी बात की जाए नस्लीय समानता। जी हाँ, जो नस्लीय समानता है इसको ख़त्म करने की बात की गई, जो वहाँ पर हमें
कासिज्म की बात आएगी या फिर किस तरीके से जॉर्ज फ्लॉयड, आप सभी को पता होगा जॉर्ज फ्लॉयड जिनकी डेथ के बाद आई कांट ब्रेथ प्रोटेस्ट पूरे यूएसए की तरफ फैलना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर नस्लीय जो असमानता है वो काफ़ी देखी गई। आप सभी को पता होगा 1776 पे जब यूएसए आज़ाद हुआ था, जी हाँ सबसे पुरानी डेमोक्रेसी इसे माना जाता है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया को माना जाता है, उसके बावजूद इतने साल पहले आज़ादी के बाद भी अगर वहाँ पे नस्लीय भेदता हमें देखने को मिलती है तो आप देख सकते हैं कि ये और कंट्रियों में इसकी हालत क्या होगी। और आई कांट ब्रेथ नाम से पूरे यूएसए में हमें प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई दिए, तो जो बाइडेन के आगे ये भी सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अपने देश को इस बुरे से बुरे जो आई कांट ब्रेथ प्रोटेस्ट है इससे हमें फ्यूचर में ना देखने को मिले यूएसए में। तो इसके बाद लोगों का जो गुस्सा अलग अलग रिवोल्ट के ऊपर, चाहे वो रेसिज्म की बात आए जैसे जॉर्ज फ्लॉयड से स्टार्ट हुआ या अदर हमें जो असमानता की चीज़ें हैं वो देखने को मिले। आपको पता होगा वहाँ के जो ओरिजिनल बाशिंदे हैं एबोरिजिन्स हैं वो हैं रेड इंडियंस, लेकिन उनको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती जितनी गोरों को दी जाती है। उसके बाद चलते हैं मोस्ट फोर्थ जो उनकी पॉलिसी का सबसे बड़ा हिस्सा है वो है ग्रीन प्लेनेट के रूप में, मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को अलग थलग कर लिया। तो इसके ऊपर भी जो बाइडेन की अपनी स्ट्रेटजी होगी कि किस तरीके से और देशों को साथ ले जाकर इसको एक अंजाम तक पहुंचाना ताकि क्लाइमेट के खिलाफ जो भी चुनौतियां हैं उनका एक साथ मिलकर सामना किया जाए। फिर बात आती है एशियन कंट्रीज में, किस तरीके से यूएसए ने एशियन कंट्रियों को दरकिनार किया, उनसे अपने आप को अलग थलग किया, उनसे अपने आप को सर्वोपरि तो माना ही माना लेकिन उनके हितों के खिलाफ भी काम किया, चाहे वो ईरान की बात आए, चाहे सीरिया की बात आए, कुछ दंगों की बात आए, और यहाँ तक अगर बात की जाए तो चाइना, चाइना किस तरीके से, जैसे कि आप सभी को पता होगा आज की डेट में यूएसए को सबसे बड़ी जो टक्कर देने जा रहा है वो चाइना देने जा रहा है, क्योंकि 2035 तक जो अभी अभी उनकी न्यू अनाउंसमेंट हुई, जो न्यू शी जिनपिंग की स्ट्रेटजी हुई कि 2035 तक अमेरिका से भी आगे चले जाना चाइना को, तो यहाँ पर अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती होगी यूएसए के लिए भी। और दूसरी कंट्रियों को अब दरकिनार करने का टाइम जा चुका है, क्योंकि अगर साथ में नहीं गए तो अपने आप चाइना आगे चलता जाएगा। अब सबसे बड़ी बात हर इंडियंस के लिए कि इंडिया के लिए जो बाइडेन की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रियली में वो हमारे लिए कोई फायदेमंद भी साबित होंगे या नहीं, तो आज हम उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहली जो बात की जाए यूएसए की, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई भी किसी का फ्रेंड नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में हर 4 साल के बाद जब भी यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तब सबसे पहले सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है यूएस इलेक्शन पे, क्योंकि सबकी नज़रें इसी पे टिकी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका जीतने के बाद हाँ जी सबको भर भर के नोट दे देगा, बल्कि वो तो अपने ही घर भरेगा, लेकिन उसके बावजूद उसको इतनी क्यों प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि वो अपने आप में एक सुपर पावर है। आप यूएन के जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं उनमें से वो एक है, तो सबकी नज़र इस पर रहती रहती है। लेकिन बात की जाए क्या वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कुछ काम करने भी वाले हैं कि नहीं, देखिए अब बात की जाए तो इंडिया के अगेंस्ट में या इंडिया की फेवर की बात ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो टक्कर है वो आज की डेट में चाइना और यूएसए के बीच हो गई है, क्योंकि चाइना ने अनाउंस कर दिया 2035 में चाइना को यूएसए की जीडीपी ग्रोथ रेट से भी आगे लेकर जाना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज की डेट में इंडिया और चाइना को दरकिनार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरनेशनली इकोनॉमिकल मार्केट में इन दोनों का बहुत ही बड़ा हाथ है, इन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है। तो कहीं यूएसए को अपने साथ, यूएसए को इंडिया को साथ लेकर जाना ही पड़ेगा, बिकॉज बैगर्स कांट बी ए चूजर, जैसे कि चर्चिल की बहुत ही ये फेमस लाइन है। लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया आज की डेट में वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लेकिन हाँ अभी भी हमारी तो आज की डेट में बात की जाए तो थोड़ी सी इकोनॉमिकल कंडीशन तो अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ यूएस अगर इंडिया के साथ अपने इंडिया को साथ लेकर चलता है तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए भारी ही होगा। तो ये चीज़ें थी। रही बात फ्रेंडशिप की, तो जिस इंटरनेशनल मार्केट में जिस कंट्री को जहाँ से भी प्रॉफिट होता है वो उसके साथ हो जाता है, चाहे ईरान पर बात आए कि किस तरीके से यूएसए ने इंडिया के ऊपर बैन लगाने की सोची वो ईरान से पेट्रोल ना ले, लेकिन उसके बावजूद हमने ईरान से पेट्रोल लिया, या फिर रशिया से वेपन्स की बात आई, मिसाइल सिस्टम की बात आई वो भी लिया, क्योंकि ये हमारी संप्रभुता की बात है, हम किसी के लिए ऐसा मना नहीं कर सकते, हार्ड एंड कोर रूल नहीं है कि हम यूएसए की बात माने, लेकिन उसके बावजूद यूएसए को भी हम तरजीह देते ही देते हैं। तो लेकिन यूएसए को भी अब वक्त आ गया कि इंडिया को अपने साथ लेकर जाना पड़े, एशियन कंट्री को अपने साथ लेकर जाना पड़े, नहीं तो फ्यूचर में क्या होगा इसका फैसला तो भविष्य की गर्त में छुपा है, लेकिन उसे सिम्टम जरूर अब दिखने लगे हैं। तो ये था यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन जिसमें जो बाइडेन जीते और उनकी क्या क्या रणनीतियां होंगी और उनके आगे कौन कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां थी, तो इस पे था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए,
अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाँ सब्सक्राइब तो बनता ही है। और बहुत ही जल्द हम अब नेक्स्ट जो सीरीज लाएंगे वो हिमाचल जी के करंट अफेयर की लाने वाले हैं, क्योंकि चाहे एचएस का एग्जाम हो या नायब तहसीलदार का एग्जाम हो या टेट का एग्जाम हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करती है आपकी HP GK। और HP GK में काफ़ी बार ये बच्चे कहते हैं कि सर हमने इतने बार एग्जाम दिए लेकिन उसमें पकड़ ही नहीं बन पाती, क्योंकि उसका एक अपना लेवल है, उसका एक अपना करने का जरिया है, उसको एक करने का एक ढंग है। और आप उस ढंग से नहीं करोगे तो नेचुरली है आपको उतने मार्क्स आ ही नहीं पाएंगे जितने कि आप सोचते हो या जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।